ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सीख कबाब पिज़्ज़ा है वो रेडी हो चुका है। तो ये किस तरह हमने रेडी किए हैं, तो आए देखते हैं रेसिपी को कि ये कैसे तैयार होता है। बहुत इजी तरीके से तैयार होता है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके, ठीक हैं आप। आज हम आपके साथ बनाएंगे सीख कबाब पिज़्ज़ा। तो झटपट बनेगा ये, पैन में मैं बनाऊँगी। ये रमज़ान के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही इजी तरीके से बनेगी और बहुत ही यम्मी यम्मी और बहुत कम टाइम में बनेगी। तो चले देखते हैं कि हम सीख कबाब पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पिज़्ज़ा की जो डो होती है रेडीमेड वो, और इसके ऊपर हम सब चीज़ें शामिल करेंगे पैन में। तो चले देखते हैं कि हमारा जो पिज़्ज़ा है झटपट वाला वो कैसे तैयार होता है। सबसे पहले पैन में 1 टीस्पून ऑयल लगाएं और इस तरह ब्रश की मदद से सारा ऑयल जो है आप पैन में फैलाएं। और अभी आंच जो है वो मैंने नहीं लगाई, ये अच्छी तरह से इसको इस तरह ग्रीस कर लें। इसके बाद इस पर डो रखेंगे। पैन में हमने डो रखा और उसके ऊपर हमने पिज़्ज़ा सॉस फैलाया इस तरह। सॉस को इस तरह फैला लेते हैं अच्छी तरह से इस पर। ये हम स्पैचुला की मदद से ऐसे, जितना ज़्यादा सॉस और जितना ज़्यादा इसमें हम चीज़ें शामिल करेंगे हमारा पिज़्ज़ा जो है बहुत ही शानदार बनेगा। और यार ये इसमें अच्छी तरह से वो नहीं होता ना, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ज़्यादा टाइम इस पर हम नहीं लगाएंगे, ये झटपट पिज़्ज़ा है, तकरीबन 5 मिनट्स में ये तैयार हो जाएगा। अभी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये मशरूम। ये मैं थोड़ा कम कम डाल रही हूँ, आप अगर ज़्यादा डालो तो और भी अच्छा है। हमारे बच्चे इतना ज़्यादा मशरूम शौक़ से नहीं खाते, तो मैंने कम डाला है। और इसके बाद जो है वो मैं इसमें शामिल करूँगी ये ऑलिव। ऑलिव जो हैं सुन्नत रसूल भी हैं और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कोशिश करें कि रमज़ान में ऑलिव मशरूम और चीज़ वग़ैरह ये बच्चों को खिलाएं, बहुत फ़ायदे हैं इसके। और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, तो अगर रमज़ान में हम सुन्नतों को ज़िंदा करते हैं तो हमें डबल सवाब मिलता है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ कमाएँ और सवाब कमाएँ। तो ये है आपके पिज़्ज़ा बनाने का स्टाइल, झटपट स्टाइल। तो अभी इसमें हम और क्या शामिल करने वाले हैं वो देखें। मैं बताती चलूँ कि सबसे पहले मैंने इसमें पैन में थोड़ा सा तेल लगाया, फिर मैंने डो रखा, उसके बाद फिर मैंने सॉस डो के ऊपर लगाई और अब मैंने इसमें मशरूम और ऑलिव्स शामिल किए। अब इसके ऊपर मैं क्या शामिल करूंगी आप गेस करें। मैं इसमें शामिल करूंगी सीख कबाब, ठीक है। ये सीख कबाब हैं, झटपट तैयार होने वाला पिज़्ज़ा सीख कबाब, ठीक है। इसको इस तरह फैलाएं। अब इसके बाद हम शामिल करेंगे चीज़। ये है चीज़, ये असल में इसको अगर हम क्रश करते तो और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन रमज़ान में जो है टाइम शॉर्ट होता है, कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी काम हो। हमने ये काटा और अब मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ। इसको मैं भी फैला दूँगी। बच्चों के लिए कैल्शियम अगर
बच्चे दूध नहीं ले रहे हैं तो कैल्शियम, ये कैल्शियम का ख़जाना है चीज़, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ आप बच्चों को दें तो ये हड्डियां मजबूत करता है, कैल्शियम की कमी पूरी करता है ये। अब इसके ऊपर जो है मैं टाइम छिड़क दूंगी और गैस का जो चूल्हा है वो मैं ऑन कर लूंगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैं इस तरह हल्की आंच में बनाऊंगी। जब ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो हमारा पिज़्ज़ा तैयार होगा। कुछ काम जो है ना वो हाथ से करने पड़ते हैं तो इसको हम पैरा लेते हैं ऐसे कि ये देखे ये टाइम है, ये इसके ऊपर मैं चढ़क रही हूँ। ये पिज़्ज़ा पे ना ज़रूरी होता है, पिज़्ज़ा जो है इसमें सारी चीज़ें जो डो हैं वो बादी होता है तो फिर जब टाइम डाले जाता है तो ये हेल्दी बन जाता है, टाइम से हाजमा लाता है ये टाइम, ठीक है। ये ज़रूरी होता है पिज़्ज़ा पे। सबसे आखिर में ना मैं इस पे प्याज डालूंगी, प्याज जो है ना पिज़्ज़ा पे आहा क्या लगता है। तो ये अभी हमारा पिज़्ज़ा जो है ये 5 मिनट्स में तैयार हो जाएगा, फिर सर्व करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह बना है। पिज़्ज़ा को आप इस तरह शीशे के उससे कवर कर लें, अगर आपके पास कोई भी ढकना हो आप रख लें, मेरे पास शीशे के प्लेट हैं तो ये 5 मिनट्स के लिए मैं छोड़ देती हूँ। तो अभी जब ये रेडी होगा फिर आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। सबसे पहले हम कैनेस के इसमें सीख कबाब ऐड करेंगे। ये है हमारा पिज़्ज़ा, क्या मज़ा आएगा। सबसे पहले हम ऐड करेंगे कैनेस के सीख कबाब। ये है हमारी डो, पिज़्ज़ा डो पे सबसे पहले हमने लगाया सॉस, इसके बाद अब सीख कबाब। एक पिज़्ज़ा जो है हमने ग्रिल वाला बनाया माइक्रोवेव में, ये देखे माशाल्लाह ये बन चुका है। तो अभी हम इसको निकालेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि ये जो हम कबाब पिज़्ज़ा बना रहे हैं इसमें से ग्रिल पिज़्ज़ा भी बनाया हमने। तो ये देखें, ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बन रहा है, ग्रिल गोल गोल घूम रहा है। अभी ये 2 मिनट में मैंने लगाया है, ये देखिए। तो अभी ये 1.5 मिनट ये जो ग्रिल है ये चलेगा। ये अभी निकाल लेते हैं, इसका तकरीबन ऑलमोस्ट 5 to 8 मिनट्स हो चुके हैं
अभी ये हमारा पिज़्ज़ा जो है रेडी हो चुका है और ये बहुत ही गर्म है, इसके लिए मुझे कोई कपड़ा उठाना पड़ेगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका है, माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है।